जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से दक्षिणी जिला महरौली स्थित सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय में रखा गया। मुख्य अतिथियों का स्वागत करने के उपरांत दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई, जहां के पूरे जिले के लगभग 300 से ज़्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ महरौली जिले के युवाओं का रुझान काफ़ी देखने को मिला। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक कैसे किया जा सके और देश का विकास बेहतर ढंग से कैसे हो सके उस पर रहा। इस पूरे युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं का जोश काफ़ी देखने को मिला और युवाओं के तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा प्रयास गूंज उठा और एक एक करके संसदीय प्रणाली जमीनी स्तर पर देखने को मिली। वहीं युवाओं को एक दूसरे के विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के तौर पर पक्ष से प्रश्न पूछने का और देश के गंभीर उज्ज्वलतम मुद्दों को डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया के माध्यम से भी जानने का मौका मिला। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आपको बता दें निगम पार्षद के साथ साथ जो अतिथि के रूप में जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। ओबीसी मोर्चा के कोषा अध्यक्ष गजेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे, साथ ही साथ जिले के और लोग भी यहाँ पर पहुँचे। तस्वीरें हम आपको महरौली इलाके के दिखा रहे हैं जहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया। जी हाँ, जिला स्तर पर युवा संसद कार्यक्रम का जो आयोजन है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया गया। यहाँ पर नेहरू युवा संगठन केंद्र जो है लगातार इस तरीके से कार्य कर रहा है, जहाँ पर युवाओं ने एक दूसरे से सवाल जवाब जाने और साथ ही साथ किस तरीके से राजनीति में आगे चलकर काम करना है उसके बारे में लोगों को प्रेरित किया गया। और सुनने की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsunnews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसुन न्यूज के लिए आप देख रहे हैं धर्मेंद्र कुमार के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। आप सभी युवा उसकी बहुत अहम कड़ी हैं। इसी आज के मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में कुछ वक्ता हैं जिन्हें मैं आप सबके बीच एक बार सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे डिजिटल इंडिया के माध्यम पे भाषण देने का मौका प्राप्त किया। सबसे पहले मैं अपनी भाषण को स्टार्ट करना चाहूंगी दो पंक्तियों से कदम बढ़ाए जा, कदम से कदम बढ़ाए जा, विश्व को डिजिटल और समग्र बनाए जा, विश्व को डिजिटल और समग्र बनाए जा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने शक्ति और सशक्त बनाने के एक आदर्श वाक्य के तहत डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। आज से कुछ वर्ष पहले 1 जुलाई 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी अनिल अंबानी के साथ मिलकर। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट उपस्थित करवाना, लोगों की तकनीकों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ हर हिस्से में अलग अलग जगहों पर ये सुनिश्चित करना कि हर जगह जो इंटरनेट उपस्थित करवाई गई है वह सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। उसके बाद हमने देखा कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि डिजिटल इंडिया को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसके जो निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करती है, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य था वो यह था कि देश के हर हिस्से को जोड़ने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित डिजिटल ढांचा बुनियाद तैयार किया जाए। दूसरा, आम लोगों को आसानी से ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तथा तीसरा, इसमें कहा गया था कि लोगों को डिजिटल साक्षरता बनाया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार यह चाहती थी कि सभी लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इंटरनेट का इस्तेमाल करें तथा वहां से उनको ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी जागरूक बने। साथ ही साथ इसमें कई सारी उन्नतियां भी हुई, जैसे कि सरकार जिसने एक जॉब को बीपीओ नौकरी पैदा करना, जिसमें सरकार ने पूरे देश के लिए 28,000 नौकरियां पैदा की थी और उनका साथ ही यह भी कार्य था कि वह हर ग्रामीण क्षेत्र में एक इंडिया डिजिटल इनिशिएटिव लेता था और साथ ही साथ यह देखा था कि कितने लोगों ने इसके रूप में इसको उपलब्ध कराया था कि लोग जो भी लोग ऑनलाइन चीजों का
जागरूक किया जाएगा और उनको उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे इस भाषण को सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना डिजिटल इंडिया किस प्रकार से वह नई क्रांति बनकर के आई है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पेश किया। कोई युवा यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे इस विषय पर तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंत्रीगण ने बहुत अच्छे से अपना उनका जो टॉपिक था उसको प्रेजेंट किया। 10/10 टू सानिया एंड 10/8 टू शबनम बाय आपका जो पिच था वो बहुत लो था, बस कॉन्फिडेंस में थोड़ा और आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करिए। सानिया ने बहुत अच्छे से अपना टॉपिक प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने टॉपिक को उठाया और सारे बच्चों तक मुझे लगता है पहुंचाया एंड दैट्स सो गुड। जब हम सदन में बोलते हैं तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हमें, वहाँ माइक नहीं मिलता, कई बार माइक ऑफ हो जाता है ऊपर से जब शोर मचता है। तो अगर आपकी आवाज़ लाउड है तो यू कैन स्पीक एंड पीछे वाला सुन सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संसद में होने वाले सदन को धरातल पे ले आए और साथ में नेहरू युवक केंद्र का जिन्होंने इस तरह की गतिविधियां बच्चों के बीच में शुरू की। ये बिल्कुल सही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ युवा संसद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप नेता ही बने या प्रधानमंत्री या मंत्री ऐसा कुछ बने। राजनीति को समझना आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। आप भारत में रहें या किसी भी देश में रहें उस देश की राजनीति से आपको रूबरू रहना चाहिए कि राजनीतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, राजनीतिक गतिविधियों से देश का किस तरह से विकास हो रहा है, कौन सी योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं, कौन सी युवा से जुड़ी योजनाएं हैं जो आपके घरों तक आनी चाहिए, आपके अधिकार क्या हैं, किस तरह की मांगे आप उठा सकते हैं, क्या आपकी कोई ऐसी मांग है जिसे आप उठा सकते हैं उसको आपको पता ही नहीं। इसलिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने देश के कोने कोने में बैठे युवाओं को भी राजनीति से जोड़ने का ये सुंदर प्रयास किया और नेहरू युवक केंद्र के द्वारा इस तरह की युवा संसदों का हमने शुरुआत करी है जो हम अपने MCD सदन में जो हमारे MCD के छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के बच्चे हमने ये युवा संसद अपने सदन में भी लगाई थी। तो मुझे बहुत खुशी है, आप सबको देख के भी बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत 10/10 सबको नॉलेज है, सब उधर से पूछ भी रहे थे, आप इधर से बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लगा देखिए कि देश के युवा भारतीय राजनीति में भी उतने ही इंटरेस्ट है जितने वो अदर चीज़ों में है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई भी फील्ड हो। देखिए आज का जो समय है वो आपको हर फील्ड में 10/10 ही रहना है, कॉम्पिटिशन का समय है। आप राजनीति को भी समझिए और अपने अंदर छिपी विशेषताओं को समझिए, अपने कौशल को निखारिए और भारत देश को आगे बढ़ाइए। मैम आज का ये कार्यक्रम से क्या संदेश है? देखिए आज का ये कार्यक्रम SDK फाउंडेशन और नेहरू युवक केंद्र की तरफ से आयोजन था युवा संसद का, जिसमें कि बच्चे जो सदन में चलती हैं गतिविधियां उनको समझ पाएँ किस तरह से भारतीय राजनीति काम करती है, किस तरह से पॉलिसी फ्रेम होती हैं और डेवलपमेंट विकास लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि सभी बच्चों ने तैयारी की अलग अलग विषयों पे, जैसे स्किल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, तो जब बच्चे वो तैयारी करते हैं तो उनसे जुड़ी योजनाओं को भी समझते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने पहल करी और युवा केंद्र के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से युवा संसद को धरातल पे पहुँचाया। सदन में चलने वाली कार्यवाही को अब बच्चे धरातल पर देख पा रहे हैं, किस तरह से भारतीय राजनीति काम करती है इसको समझ पा रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है ये कराने का मकसद क्या है और भी जगह कराए जाएंगे क्या? मैं DYC महरोली बोल रही हूँ, नीलू थदानी जी। असल में ये प्रोग्राम जो है एक दिवसीय प्रोग्राम होता है, ये हम पड़ोस युवा संसद है जिसमें हम दो ग्रुप में जैसे लोग होते हैं, जैसे सांसद में चलता है वैसे हम लोग चलवाते हैं।
तो ये हमारे जो साथ में जो लोग आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बोला और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और मैं स्पेशल थैंक्स इनको बोलना चाहूँगी, योगेश जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे से बोला। थैंक यू गजेंद्र जी। पार्लियामेंट लोग टीवी पर देखते थे या सदन का वहाँ पर से देखते थे, आज आपने सदन और पार्लियामेंट को महरौली में स्थापित किया, क्या कैसा? मैं बधाई देता हूँ निगम पार्षद आरती जी को, SDK फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं योगेश जी, और नेहरू युवा केंद्र की टीम को। वो लगातार पिछले 5 वर्षों से महरौली किशनगढ़ के युवाओं के लिए, युवतियों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते रहते हैं, और पड़ोस संसद का हो या युवा संसद का हो, इनके माध्यम से जो देश की राजनीति है, जिला की राजनीति है या प्रदेश की राजनीति है, वो सारी बातें युवाओं के मुख से हमारे पास आती है और हमारे मुख से उनके पास जाती हैं। तो आज का जो युवा है वो आज के भारत का नागरिक भी है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश समाज के लिए काम करें। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो युवाओं को मन में रखकर जिस प्रकार के कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र को लगाया है, वो सच में सराहनीय है। और हमारी महरौली के जो युवा हैं उनके बीच में जब आते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी वो विद्यार्थी परिषद के और शाखा के तरुण का जो कार्यकर्ता हैं उसके प्रकार से ही हमें भी फीलिंग आती है। बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं इन दोनों संस्थाओं को और निगम पार्षद आरती जी को। ठीक, मैं योगेश कौशिक। योगेश जी, जो युवा संसद का ये कार्यक्रम जो रखा गया है, क्या मकसद क्या है? नमस्कार, मैं योगेश कौशिक, संस्थापक SDK फाउंडेशन। दक्षिण दिल्ली में आयोजित आज 20 फरवरी को यह आयोजन युवा संसद जिला स्तरीय का यह कार्यक्रम महरौली के सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय में रखा गया है, जिसकी मुख्य अतिथि यहाँ की निगम पार्षदा और डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर नीलू थदानी जी हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है कि युवाओं के बीच में जन जागरण, राजनीति को लेकर के प्रेरणा, और सही प्रकार से भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना, और जन जागरण और बच्चों के बीच में जागरूकता का उत्पन्न करना है। जैसे कि बच्चों के बीच में कोरोना काल में जिस प्रकार से एक नकारात्मक चीज़ें घर कर गई हैं, बच्चों के अंदर एक नया उत्साह शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति और कल्याण के प्रति उनके अंदर जागृत हो, यह युवा संसद इस प्रकार से विषय अलग अलग उठा करके आज बच्चों ने इस युवा संसद में भाग लिया है, पक्ष विपक्ष के रूप में भाग लिया है। बच्चे अपने प्रश्नों के माध्यम से आज बहुत ही अच्छे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं, अच्छे वक्ताओं ने, युवाओं ने अपने बात के माध्यम से, अपने विषयों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को अन्य अन्य विषयों पर जानकारियां दी हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया है? लगभग 300 से 400 युवाओं ने आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर के इसको बहुत ही सफल आयोजन के रूप में एक रेखांकित कर दिया है। इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। नाम बताओ। माय सेल्फ सानिया खान। सानिया, आज युवा संसद में आप स्पीच दे रही थी। जी जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी युवा से बात करना, अपने विचार रखना, उनके विचार सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये यहाँ पे खड़े होने का मौका मिला और अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका मिला। Myself, शबनम। शबनम, आज पक्ष और जो टीवी पर आप देखती थी संसद का, आज वो यहाँ पे चल रहा था, कैसा अनुभव रहा? मुझे एक्चुअल में ना डिबेट बहुत पसंद है, मुझे बोलना और सुनना दोनों ही बहुत पसंद था, तो मैं ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद करती हूँ, और मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करके बहुत बहुत अच्छा लगा। कल भी ये प्रोग्राम हुआ था और हमने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था, और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसे मौके मिले जहाँ हम आगे पार्टिसिपेट कर सकें। इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे जिनके सामने बोलना पड़ता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और मैं तो चाहूँगी कि आगे भी हमें ऐसे मौके कई बार मिले। अच्छा, आगे कभी अगर संसद में या सदन में कहीं पर बोलने का मौका मिले तो आप चाहेंगे? जी ज़रूर। थैंक यू।